बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोग? ठीक है, खैरियत से? रौफज़ल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। दोस्तों, जिस वक्त की पुण्य फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। जो कोरोना की खबरें बहुत ज़्यादा भरी परेशानी की है, अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से पिछले 3 दिनों के केसेस बताए गए और तादाद जो है कोरोना वायरस के मरीजों की उसके अंदर खासा इजाफा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात है। और जो रिकवरी लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है, और इसकी पूरी तफसीलात क्या है आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि जुमेरात को 119, जुमे को 102 और हफ्ते को 122 पर्सन को हुआ। कुल मिला के 343 केसेज आए पिछले 3 दिनों के अंदर, और अब आप लोग देख सकते हैं 3,05,832 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर रिकवरी लेवल बहुत कम है, 107 पर्सन की ओमान के अंदर रिकवरी हुई है। 3,488 पर्सन की ओमान के अंदर रिकवरी हो गई है। इसके अलावा पिछले 3 दिनों के अंदर 1 पर्सन की डेथ भी हुई है। 4,117 पर्सन की ओमान के अंदर डेथ हो चुकी है। 3 मरीज ऐसे हैं जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान हॉस्पिटलाइज किए गए हैं। 14 मरीज ऐसे हैं जो कि ओमान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटलाइज हैं, और 4 मरीज ऐसे हैं जो कि आईसीयू में दाखिल हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं केसेस की तादाद के अंदर इजाफा और रिकवरी लेवल बहुत कम है, और इसके अलावा जो आईसीयू के मरीज है वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो हदायत है आम सिटीजन और रेजिडेंट्स के ऊपर, उनको लाजमी फॉलो करें, क्योंकि ये अलार्मिंग है। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर केसेस की तादाद के अंदर इजाफा है। तो इस चैनल के थ्रू आप लोगों को ये कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायत है उनको फॉलो करके रखें, मास्क, सोशल डिस्टेंस और गैदरिंग, ताकि कोरोना वायरस कंट्रोल हो सके, अपने आप को इस वायरस से बचाएं और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएं। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी, और इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। राफ़िज़ अल अज़ीम को दीजिए इजाज़त, हंसते बसते रहें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।